नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में कुछ बंदिशों के साथ लॉकडाउन हुआ खत्म। कल से कोरोना प्रोटोकॉल के साथ होगी विधानसभा समितियों की बैठक। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट में ऑनलाइन एडमिशन जल्द हो सकता है शुरू। सितम्बर महीने में जारी हो सकता है पंचायत चुनाव का शेड्यूल। देश भर में 63 दिनों के बाद आए 1 लाख से कम मामले। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार में कुछ बंदिशों के साथ लॉकडाउन हुआ खत्म। राज्य में 1 से 8 जून तक लगा लॉकडाउन अब खत्म हो गया है। कोरोना की दूसरी लहर में लगाए गए लॉकडाउन को अब सरकार द्वारा अनलॉक करने की कवायद की जा रही है। इसका ऐलान सीएम नीतीश कुमार ने आज दोपहर में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग के बाद किया है। अब कुछ बंदिशों के साथ लॉकडाउन को खत्म करने की कवायद शुरू की गई है। इसके तहत अब सुबह 6 बजे से शाम के 5 बजे तक सभी दुकानें खुलेंगी और शाम के 7 बजे से सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं 50% कर्मचारियों के साथ कार्यालय को खोला जाएगा और फिलहाल सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। वहीं पार्क भी बंद रहेंगे। इसके साथ ही सड़कों पर अब निजी वाहन चलने की अनुमति रहेगी। यह व्यवस्था अगले 1 सप्ताह तक के लिए लागू रहेगी। वहीं इस दौरान स्कूल कॉलेज को खोलने पर विचार नहीं हुआ है। फिलहाल ऑनलाइन क्लास ही चालू रहेंगे। पटना IGIMS में 272 पदों पर स्वास्थ्य विभाग ने निकाली रिक्तियां। राजधानी पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए अलग अलग विभागों में गैर शैक्षणिक व शैक्षणिक पदों के लिए कुल 272 पद सृजित किए गए हैं। इन पदों पर बहाली करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल प्रशासन को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि IGIMS के क्षेत्रीय कैंसर सेंटर में भारत सरकार के सहयोग से स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है। इस इंस्टीट्यूट के लिए दिल्ली एम्स के जैसे ही 272 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके तहत 20 विभागों में शैक्षणिक पदों पर बहाली के लिए प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रेजिडेंट तथा जूनियर रेजिडेंट नियुक्त किए जाने हैं। वहीं गैर शैक्षणिक विभाग के लिए 26 पदों की स्वीकृति दी गई है। राज्य में इस सप्ताह के अंत तक प्रवेश कर सकता है मानसून। सूबे में मानसून के समय से पहले पहुंचने की संभावना बन गई है। मौसम विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में 3 दिन पहले मानसून पहुंचा है और सारी परिस्थितियां मानसून के प्रसार को सपोर्ट कर रही है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 12 जून तक मानसून का आगमन बिहार में हो सकता है। आमतौर पर मानसून की पहली बारिश 13 जून को होती है, मगर इस बार एक दिन पहले 12 जून को ही पूर्णिया में पहली मानसूनी बारिश हो सकती है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने बिहार के कुछ जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। इसके तहत पटना, गया, मुजफ्फरपुर, नवादा सहित बिहार के करीब सभी हिस्सों के लिए ग्रीन के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 9 जून से राज्य के अधिकतर हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। कल से कोरोना प्रोटोकॉल के साथ होगी विधानसभा समितियों की बैठक। सूबे में कोरोना अब कंट्रोल में आ रहा है। ऐसे में विधायिका और जनप्रतिनिधि भी अपनी जिम्मेवारियों को देखते हुए वापस विधानसभा का रुख अपनाने पर सहमति जताई है। इसे लेकर बिहार विधानसभा में कल 9 जून से विधानसभा समितियों की बैठक होनी शुरू हो जाएगी। दरअसल लॉकडाउन के कारण विधानसभा समितियों की बैठक काफी दिनों से लंबित है। ऐसे में कोरोना की स्थिति में सुधार होता देख विधानसभा अध्यक्ष ने एक वर्चुअल मीटिंग में कल से फिर समितियों की बैठक करने का आदेश जारी किया है। इसके तहत एक दिन में अधिकतम 8 समितियों की बैठक होगी। यह बैठक एक निश्चित अंतराल के बाद होती रहेंगी, जिसके बाद एक ही समय में भीड़भाड़ जैसी स्थिति नहीं बनी होगी। इससे पहले पूरे कक्ष को सैनिटाइज करने का भी निर्देश दिया गया है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट में ऑनलाइन एडमिशन जल्द हो सकता है शुरू। कोरोना काल में बिहार बोर्ड ने इंटर में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए ऑनलाइन एडमिशन लेने की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि इसी महीने एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। दरअसल बिहार बोर्ड ने इंटर में एडमिशन लेने वाले सभी शिक्षण संस्थानों में विषय और संकाय के आधार पर उपलब्ध सीटों की लिस्ट www.ofssbihar.in वेबसाइट पर जारी की है। इसके लिए अब बोर्ड ने इन संस्थानों से 9 जून से 13 जून के बीच में आपत्ति मांगी है। शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध सीटों के संबंध में यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो यह माना जाएगा कि संबंधित शिक्षण संस्थान को अपने संकायवार तथा विषयवार सीट संख्या के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे में 13 जून के बाद इंटर में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना लग रही है। पटना यूनिवर्सिटी ने की नेट GRF की मान्यता को 2 वर्ष और बढ़ाने की मांग। कोरोना लॉकडाउन की वजह से पिछले 2 सालों से PhD इंट्रेंस टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, जिस वजह से पटना विश्वविद्यालय में नेट JRF छात्रों की छात्रवृत्ति भी लैप्स होने के कगार पर पहुंच गई है और नए छात्रों को PhD में नामांकन लेने में भी परेशानी हो रही है। दरअसल UGC के द्वारा JRF की मान्यता सिर्फ 2 वर्ष ही रहती है। ऐसे में PU में पढ़ने वाले ज्यादातर छात्रों की समय अवधि समाप्त होने पर है। इसके बाद उनके JRF की वैधता नहीं रह जाएगी। इसको देखते हुए पटना विश्वविद्यालय के द्वारा इन छात्रों को राहत देने के लिए UGC से JRF की मान्यता की समय अवधि को 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 साल करने की मांग की है, ताकि इन छात्रों की छात्रवृत्ति से हाथ नहीं धोना पड़े। हालांकि UGC ने इससे पहले
पूर्व से पीएचडी कर रहे छात्रों को राहत देते हुए 6-6 महीने का एक्सटेंशन, समिशन, साक्षात्कार व अन्य प्रक्रियाओं में दिया है। वहीं अब स्थिति सामान्य होने पर जल्द ही पीएचडी के लिए एंट्रेंस टेस्ट करने की भी मांग की गई है। दरभंगा एयरपोर्ट पर उगना कैब के जरिए प्रवासी मजदूरों को मिल रहा है रोजगार। महानगरों में लॉकडाउन लगने के बाद इस साल भी बड़ी संख्या में बिहार के मजदूर वापस अपने राज्य बिहार लौटे हैं। ऐसे में दरभंगा में दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार और लोकप्रिय होने के क्रम में यहां मजदूरों को रोजगार का एक साधन मिल गया है। दरभंगा एयरपोर्ट में स्पाइस जेट के बाद अब इंडिगो फ्लाइट की भी सेवा शुरू हो गई है। ऐसे में एयरपोर्ट में आने जाने के लिए उगना टैक्सी सर्विस में कई मजदूर चालक के तौर पर काम कर रहे हैं और अच्छी आमदनी भी कमा रहे हैं। बता दें कि उगना कैब एक निजी टैक्सी सर्विस है जो कि बिहार के दरभंगा में शुरू की गई है। ऐसे में दरभंगा एयरपोर्ट इस कैब के जरिए चालकों को काम मिल गया है। मजदूरों का मानना है कि भले ही यहां महानगरों जैसे कमाई नहीं हो रही है, लेकिन अपने राज्य में कम आमदनी पाकर भी वे खुश है। वहीं इन चालकों ने सरकार से दरभंगा एयरपोर्ट से और भी हवाई सेवा का विस्तार करने की मांग की है, ताकि यहां अन्य रोजगार के अवसर भी बढ़े। बिहार में अब नहीं बचेंगे शराबी और धंधेबाज। बिहार में अब शराबी और धंधेबाज वालों की खैर नहीं होगी। बिहार पुलिस की तरफ से शराबी और धंधेबाज को पकड़ने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इस नंबर पर कॉल करते ही 24 घंटे में कार्रवाई की जाएगी। अगर समय पर कार्रवाई नहीं हो सकी तो थानेदार के साथ SDPO तक कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसके बाद बिहार में मद्य निषेध अर्थात शराब से जुड़ी कोई भी शिकायत के लिए अब आप भी टोल फ्री नंबर 15545 पर कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर आने वाली शिकायतों का त्वरित निपटारा होगा। मद्य निषेध टोल फ्री नंबर के प्रसार के लिए सभी प्रखंडों और अंचल के सरकारी भवनों पर इसके प्रचार प्रसार के लिए कहा गया है। पटना में आज से 2 सेंटरों पर 24 घंटे वैक्सीनेशन हुआ शुरू। राजधानी पटना के 2 सेंटरों पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और पाटलिपुत्र अशोक में आज से 24 घंटे वैक्सीनेशन का काम चालू रहने वाला है। लोगों की सहूलियत को देखते हुए ऐसा किया गया है, ताकि लोग किसी भी समय वैक्सीन लगवा सके। ये सेंटर 24 घंटे 7 दिन खुले रहेंगे। यहां 3 शिफ्ट में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी की तैनाती की जाएगी। इसका उद्घाटन आज 4 बजे कर दिया गया है। वहीं आज आने वाले लोगों को बिना रजिस्ट्रेशन के ही वैक्सीन लगा दी जाएगी, मगर कल बुधवार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और स्लॉट की प्री बुकिंग करा कर आने वाले लोगों को 9 से शाम 5 बजे तक वैक्सीन दी जाएगी। वहीं शाम 5 बजे से ऑनलाइन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर वैक्सीन दी जाएगी। इन दोनों सेंटर पर वर्तमान में रोजाना करीब 500 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसे आने वाले दिनों में बढ़ाया भी जा सकता है। यहां 18 से 44 आयु वर्ग और 45+ आयु वर्ग को वैक्सीन लगाया जाना है। हर महीने में जारी हो सकता है पंचायत चुनाव का शेड्यूल। कोरोना महामारी के कारण पंचायत चुनाव को अनिश्चित समय के लिए टाल दिया गया था, मगर अब कोरोना मामलों में सुधार होता देख राज्य चुनाव आयोग अगले 2 से 3 महीनों में एक बार फिर से पंचायत आम चुनाव कराने की तैयारी में जुट गया है। बताते चले कि इस बार चुनाव ईवीएम से होने हैं, इसलिए पर्याप्त संख्या में ईवीएम जुटाने के लिए आयोग ने नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए दूसरे राज्यों से ईवीएम उपलब्ध कराने को लेकर पत्राचार किया जा रहा है। बता दें कि पंचायत आम चुनाव के लिए आयोग को 6 पदों के लिए अधिक संख्या में ईवीएम की आवश्यकता है। इसी आवश्यकता को देखते हुए आयोग ने सभी जिलों को दूसरे राज्यों से ईवीएम मंगाने की टैगिंग करने की पहल कर दी है। पंचायत चुनाव में ईवीएम को जिलों द्वारा खुद दूसरे राज्यों से मंगाया जाता है। ऐसे में जिलों को दूसरे राज्यों से टैग कर दिया जाएगा तो वह जिला खुद अपना ईवीएम मंगा लेगा। वही संभावना है कि सितंबर में आयोग शेड्यूल जारी कर सकता है, जिसके बाद दिसंबर महीने तक पंचायत चुनाव होने की संभावना है। बीपीएससी के कट ऑफ मार्क्स पर बिहार में शुरू हो गई सियासत। बिहार लोक सेवा आयोग ने 64वीं बीपीएससी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 6 जून को जारी कर दिया है, जिसके तहत राज्य को 1454 अधिकारी मिले हैं। वहीं अब कट ऑफ मार्क्स को लेकर सूबे में सियासत तेज हो रही है। इसके तहत आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट कर कट ऑफ मार्क्स को लेकर नीतीश सरकार को घेरा है। इसे लेकर तेजस्वी अब गैर आरक्षित वर्ग को ठगने का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि इस परीक्षा में आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के कट ऑफ मार्क्स को बराबर कर दिया गया है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश जी ने 15 वर्षों में अपनी जाति की प्रति व्यक्ति आय बिहार में सबसे अधिक कराने के बाद बाकी पिछड़ी जातियों को भी लात मार दिया है। वहीं अब इस बयान के बाद राज्य में सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। रविशंकर प्रसाद ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल को उपलब्ध कराए ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बीते दिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल को ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मुहैया करवाए हैं, जिसके बाद जयप्रकाश नारायण अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने आभार जताया है। इस संबंध में अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बताया कि यह ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मशीन हवा से स्वयं ऑक्सीजन संग्रह करेगा, जिससे ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। वहीं इसको लेकर दीघा के विधायक संजीव चौरसिया ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का धन्यवाद व्यक्त किया है और बताया कि सांसद के सौजन्य से आज
लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर दिए गए हैं जो कि बेहद जरूरी थे। राजद ने पीएम मोदी के फ्री वैक्सीन वाली घोषणा को बताया सुप्रीम कोर्ट का दबाव। बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में देशवासियों को मुफ्त में वैक्सीन देने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से ही विपक्ष भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। विपक्ष ने इसका क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को दिया है। इस क्रम में बिहार आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मुफ्त वैक्सीन वाली घोषणा के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा बहुत पहले से देश भर में फ्री वैक्सीन की मांग की जा रही थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कड़े तेवर और दबाव के बाद ही केंद्र की मोदी सरकार ने मुफ्त में वैक्सीनेशन का ऐलान किया है। वहीं गरीबों को मुफ्त में राशन देने के ऐलान पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले साल भी सरकार ने छठ तक मुफ्त अनाज दिया था, तो इस साल दिवाली तक ही मुफ्त अनाज क्यों दिए जाएंगे। एनरिच नॉटजे ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर दिया बड़ा बयान। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज और आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलने वाले गेंदबाज एनरिच नॉटजे ने धोनी को लेकर बड़ा बयान दिया है। दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़ने से पहले दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिच नॉटजे ने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ भी समय बिताया था। इसी क्रम में नॉटजे ने चैंपियंस लीग के 2010 संस्करण के दौरान नेट्स में धोनी को गेंदबाजी को याद करते हुए बड़ा बयान दिया है। द ग्रेट क्रिकेटर पॉडकास्ट से एक बातचीत में नॉटजे ने कहा कि मैं तब बड़ा नहीं था तो किसी बात का डर नहीं था, तब मेरी उम्र ऐसी थी कि मेरी गेंदबाजी ज्यादा तेज नहीं थी। नॉटजे ने कहा कि धोनी ने कई गेंदों पर अपने पैर का इस्तेमाल अच्छे से नहीं किया, मगर धोनी इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि सभी से बहुत अच्छे से मिलते हैं और बाद में एहसास हुआ कि वो कौन है। देशभर में 63 दिनों के बाद आए 1,00,000 से कम मामले। देशभर में कोरोना की रफ्तार अब कम हो रही है और 2 महीने के बाद सबसे कम मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 86,498 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं इस दौरान कुल 2,123 मरीजों की जाँच ली गई है। इस दौरान 182,282 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद देशभर में कुल एक्टिव केस 13,03,702 हो चुकी है। वहीं अगर बात हम अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन के बीते 24 घंटे में 762 नए कोरोना केस आए हैं। वहीं इस दौरान 1,196 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 8,230 हो चुकी है। वह अच्छी खबर यह है कि बिहार में मामले कम हो रहे हैं और रिकवरी रेट बढ़े हैं, जो कि बढ़कर 98.09% हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार सरकार द्वारा अब दुकानों को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खोले जाने का फैसला सही है या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।